नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय मानसून की शुरुआत हो चुकी है। अभी तो मानसून ने पूरी रफ्तार भी नहीं पकड़ी है, लेकिन फिर भी मानसून की वजह से हादसे में जान जाने की खबर सामने आई है। यह दुखद घटना सामने आई है विरार से, जहां एक पेड़ के नीचे दबकर एक 65-70 वर्षीय बुजुर्ग महिला मंजुला झा की मौत हो गई। आपको बता दें कि यह घटना विरार के बोलिन से सामने आई है, जिसमें बोलिन क्षेत्र में एक बड़ा सा इमली का पेड़ था। वो बीते दिनों मंगलवार बुधवार के दिन बारिश आने के चलते गिर गया और उस पेड़ के नीचे दबी है मंजुला झा, जो है उनकी मौत हो गई। मंजुला झा के साथ कुछ ऐसा हुआ कि मंजुला झा अपने पोते को लेकर स्कूल छोड़ने गई थी और वहां से मंदिर जाने वाली थी, लेकिन मंजुला झा तय समय पर घर पर नहीं पहुंची, बुजुर्ग महिला। तो घर वालों ने इनके लापता होने की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस इनकी खोजबीन कर रही थी, तलाश कर रही थी, लेकिन इनका कुछ पता नहीं लगा। दूसरी तरफ ये जो झाड़ गिरा और इस झाड़ को वहां से हटाया गया, लेकिन फिर भी झाड़ के तने और इतने बड़े थे कि झाड़ को हटाने वाली रेस्क्यू टीम को ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि झाड़ के नीचे कोई दबा हुआ है। दो दिन बाद पुलिस जब मंजुला झा की तलाश कर रही थी, सीसीटीवी फुटेज भी कुछ खंगाल है, और उनको ऐसा महसूस हुआ कि इस क्षेत्र से मंजुला झा गई होगी, निकली होगी, तो तलाश में वो झाड़ के नीचे से दुर्गंध आई और उसके बाद वहां तपास की गई तो मंजुला झा जो मृतका बुजुर्ग है उनकी बॉडी वहां मिली दिखाई, जिसके बाद में कल शुक्रवार के दिन इनकी बॉडी को निकाला गया, रेस्क्यू किया गया और आगे की प्रक्रिया के लिए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहीं ना कहीं ये मानसून के समय में इस तरह के हादसे होने की जानकारी आती है, हमें भी सचेत रहना चाहिए, कभी भी कुछ हो सकता है। और ये वाकई एक काफी दिल को दुखाने वाली दुखद खबर ये है, इस तरह से एक जान चली गई। तो एक बार फिर से यही कहना चाहूंगा कि इस मानसून में पूरे मानसून जन्य हादसे होते, उसे हमें अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। खबर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से मदद कीजिए। नमस्कार सर, नेमके काय घटना घडलेली आहे आणि काय माहिती आहे? बघा, दिनांक 19/6/2024 रोजी सकाळी 6:45 वाजता या दरम्यान जोराचा पाऊस आणि वारा आला। सदर पाऊस आणि वारा आल्यानंतर इथे एक चिंचेचं झाड होतं, ते उन्मळून पडलं। ते इथे बाजूच्या घरावरती ते झाड पडलं होतं। घरावरती झाड पडल्यानंतर आम्ही त्यावेळी सदर घटनास्थळाला भेट देऊन वरती घटनास्थळाची पाहणी केली होती। तर ते सदर घराची भिंत आणि पत्रे तुटले होते आणि सदर घरातील लोक हे मुलांना शाळेत सोडायला 6:30 वाजता गेले आणि 6:45 हे झाड पडलं होतं। त्यानंतर आपण घटनास्थळी एनडीआरएफ, अग्निशमन दल आणि पोलिसांच्या सहाय्याने त्यांच्या जे घरावरती झाड पडलं होतं बाजूच्या, ते पूर्ण आपण निष्कासित करून घेतलं होतं। त्यावेळी काही जीवितहानी वगैरे झाली आणि ही जी जागा ही निर्जीव जागा आहे, इथं कोणी येत जात नसतं। आणि त्याच दरम्यान 19 तारखेला एक पोलीस स्टेशनला मिसिंग दाखल झाली होती। ती सकाळी 6:30 वाजता 64 वर्षाची जहा महिला ही त्याच्या मुलांना नातवांना सोडायला शाळेत गेली होती आणि ती मिळून आली नव्हती। त्यानंतर आपण सीसीटीव्ही फुटेज वगैरेच्या आधारे त्या महिलेचा शोध चालू होता आणि तिच्याकडे मोबाईल नव्हता, त्यामुळं आपण मोबाईल काय ट्रेसिंग करत नव्हतो आणि परिसरात आणि सीसीटीव्ही फुटेज आपण द्वारे तिचा शोध चालू होता। 3 दिवस आमचे पोलीस हवालदार तोडेकर हे सदर महिलेचा शोध घेत होते। आज आपण शोध घेता घेता इथून थोडासा वास येऊ लागला म्हणून आपण ते झाडाच्या तिथं अग्निशमन दलाला बोलवून झाडाचं ते बाजूला फांद्या करून बघितलं असतं तर ती सदर महिला तिथं झाडाखाली अडकून आलेली मयत झालेली मिळून आलेली आहे। सदर महिलेला आपण आता तिचा मृत्यूदेह रुग्णालयात पोस्टमार्टम साठी पाठवलेला आहे।
हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।